नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में इसी साल पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। पंचायत चुनाव को लेकर लगातार नियम बदलते रहते हैं, उससे जुड़ी हर खबर हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब खबर निकल कर आई है कि पंचायत चुनाव के लिए सिंबल्स यानी कि चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग की तरफ से निर्धारित कर दिए गए हैं। आपको बताते हैं कि अलग अलग पदों के लिए कौन कौन से चुनाव चिन्ह इलेक्शन कमीशन की तरफ से निर्धारित किए गए हैं। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मुखिया के उम्मीदवारों समेत पंचायत चुनाव के सरपंच, पंच और पंचायत समिति सदस्यों के उम्मीदवारों के लिए सिंबल निर्धारित कर दिए हैं। इसमें मुखिया के लिए 29 चुनाव चिन्ह निर्धारित किया गया है। इनमें मोतियों की माला, ब्लैक बोर्ड, कलम और दवात, ईंट, पुल, बैंगन, ब्रश, कैमरा, चिमनी, मोमबत्ती, कार, गाजर, जग, टेलीविजन, टोकरी, बल्ला, केतली और कैरम बोर्ड समेत अन्य चुनाव सिंबल शामिल है। सरपंच पद के उम्मीदवारों के लिए 19 सिंबल का निर्धारण किया गया है। इनमें मोटरसाइकिल, नल, जीप, टमटम, छाता, टेलीफोन, ट्रक, पानी का जहाज, चरखा और तलवार जैसे सिंबल शामिल है। वहीं ग्राम कचहरी पंचों के लिए गुड़िया, चापाकल, कुर्सी, टॉर्च व ट्रैक्टर के सिर्फ 5 सिंबल ही निर्धारित हैं। वार्ड सदस्य के लिए भी मात्र 5 सिंबल निर्धारित किए गए हैं। इनमें वायुयान, अलमारी, कुल्हाड़ी, गुब्बारा और केला शामिल है। पंचायत समिति के सदस्यों के लिए कुल 10 सिंबल निर्धारित किए गए हैं। इनमें छत का पंखा, नारियल, कंघा, चारपाई, कप और प्लेट, डोली, फ्रॉक, फ्राइंग पैन, गैस सिलेंडर और बिजली का पंखा शामिल है। राज्य निर्वाचन आयोग के आधिकारिक सूत्रों की माने तो पंचायत चुनाव की प्रतिदिन की गतिविधियों की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी आने वाले समय में। राज्य निर्वाचन आयोग फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के माध्यम से प्रतिदिन की गतिविधियों की अब जानकारी देने जा रही है। यानी कि बिहार में जो पंचायत के चुनाव होने वाले हैं कुछ ही महीनों में या फिर कुछ ही दिनों में आप कह सकते हैं, अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि अप्रैल से लेकर मई के बीच तक में चुनाव आयोजित कराए जा सकते हैं। उसको लेकर हर रोज़ हर हफ्ते कोई ना कोई नया अपडेट निकल कर आता है। आपने पहले ही जाना कि इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है कि किस तरह से ईवीएम के माध्यम से चुनाव करवाया जाएगा और फेज़ वाइज मत की गिनती भी होगी और उसी तरह से फैसला भी निकल कर आएगा और अलग अलग तरह के बदलाव भी किए गए हैं। लेकिन अब पंचायत चुनाव के लिए सिंबल्स यानी कि चुनाव चिन्ह का निर्धारण कर दिया गया है। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग चुनाव चिन्ह रखे गए हैं। यही सारे चुनाव चिन्ह पंचायत चुनाव में आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि ये तय तब किया जाएगा जब अलग अलग पदों के लिए नॉमिनेशन भरा जाएगा उम्मीदवारों के द्वारा, तब उन्हें चुनाव का चिन्ह जो है वो आवंटित किया जाएगा। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।